गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू कविता की कहानी। और कैसे हैं आप सब लोग? कैसा है आपका वीकेंड? कैसा स्टार्ट हुआ है? सो हमारा वीकेंड तो स्टार्ट हुआ है पानी के टैंकर के साथ में, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अभी लास्ट 1 वीक से। हमें फाइनली पानी का टैंकर मंगाना पड़ा है। सो अभी वो इस पानी का टैंकर ही भर रहा है और चीकू की मस्तियाँ जा रही है बिल्कुल। तो लंच का सीन ये है, बन रहे हैं मसाला ओट्स विद सत्तू का शरबत। इसमें मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली वेजिटेबल्स को फाइनली चॉप करके हल्का सा सौते कर लिए और उसमें रेडीमेड आता है वो वाले मैंने ओट्स डाल दिए, थोड़ा सा पानी डाल दिया। बड़े हेल्दी होते हैं, बहुत जल्दी फिलिंग हो जाती है। ये वाले ओट्स हैं जो मैं यूजुअली खाती हूँ। लंच हो गया मेरा और लंच में मैंने सत्तू भी लिया साथ में। सत्तू बेसिकली चने को पीस के और उसमें बहुत सारे मल्टीग्रेन्स डाल के पीसा जाता है, उसको मैंने थोड़ा सा चीनी के साथ में पानी के साथ में लिया और ओट्स लिया। यूजुअली मैं क्या करती हूँ कि अगर मेरा लंच डिले हो गया, लाइक 12 बजे से लेके अगर 2 बजे के बीच में लंच नहीं कर पाई हूँ, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि कुछ भी फाइब्रस फूड खाऊं। लाइक जैसा हो गया सैलेड हो गया, बोल फुल ऑफ सैलेड हो गया, ओट्स हो गए, मेजरली यही 2-3 चीजें जो मैं खाके उस टाइम अगर लेट होता है मेरा, लाइक 3 बजे तक होता है, तो मैं खाके अपनी हंगर को सेटिस्फाई करती हूँ। तो ये बेजे चीजें हैं। अभी करेंटली मैं थोड़ा सा डाइट पे हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं 100% डाइट पे हूँ। लाइक मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि मैं मॉर्निंग में जैसे उठ रहे हैं आप, तो आप फ्रूट्स खा लो, आप दूध पी लो, अगर आप जैसे मुझे चाय चाहिए होती है तो चाय पी लो, कोई भी हेल्दी हाई प्रोटीन रिच फूड हो गया, लाइक पनीर पराठा हो गया, पनीर हो गया, सिंपल घी में फ्राई करके पनीर हो गया, ये सारी चीजें हैं। 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच में मैं कोशिश करती हूँ अपना लंच करने की। लंच और ऐसा नहीं होता कि लंच में मैं कुछ स्किप कर रही हूँ, जो भी नॉर्मल खाना बनता है रोज की रूटीन की लाइफ में वो मैं लेती हूँ, सैलेड लेती हूँ साथ में, कोई भी मीठी चीज़ हो गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे उसको कंट्रोल करने की। इवनिंग में मैं कोशिश करती हूँ 8:30 या 9 बजे तक मैं अपना डिनर कर लूँ, और उसके बाद में वही वो जैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग होता है जिसमें आप 14 आवर्स की या 16 आवर्स की विंडो रखते हैं, तो मैं धीरे धीरे उसको इंक्रीज करूंगी पहले, क्योंकि अभी मैं ब्रेस्ट फीडिंग हूँ तो मैं चिकू को दूध अभी भी पिला रही हूँ, ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ, तो मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। पहले तो ऐसा होता था रात में भी कभी भी उठ के 11 बजे 12 बजे 2 बजे 3 बजे उठ के मैं खाने लग जाती हूँ, मतलब मुझे तब भूख लगती थी, खाने लग जाती थी। अब वो चीज़ टचवुड वो कंट्रोल हो गई है थोड़ी सी, अब मैं थोड़ा सा उस चीज़ को मैंने कंट्रोल कर लिया है। अगर मैंने 8:30-9 बजे तक खाना खा लिया तो उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि फिर मैं नेक्स्ट डे ही 10 या 11 बजे कुछ भी खाऊं, हल्का फुल्का जो भी है। सो ये मेजर है, अभी मेरा डाइट में ये सारी चीज़ें चल रही है। मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा है कि अभी तक मेरा कोई वेट कम हुआ है, बहुत मेजर वेट डिफरेंस है। लाइक मेरा 57-58 वेट था, मैं चाह रही हूँ कि एटलीस्ट 54 या 55 तक आ जाए, बस इतना ही मुझे चाहिए। जो मेरा टमी फैट है वो बहुत ज़्यादा हो गया था बीच में, अब थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कंट्रोल आया। सो ये मैं अभी डाइट का रूटीन फॉलो कर रही हूँ। तो आज मुझे आप लोगों से बात ये करनी थी कि जैसे डार्क सर्कल्स होते हैं, आप उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, रात में आई मास्क लगाते हैं और बहुत सारी डार्क सर्कल बेस्ड क्रीम है जो लगाते हैं, बड़ी इफेक्टिव भी होती हैं। मैंने भी लगाई थी, एस्टेल ऑर्डर की लगाई थी, मुझे थोड़ा सा डिफरेंस भी दिखा था, बट बैक टू ओल्ड डेज, जैसे मेरे पहले डार्क सर्कल्स थे वो वैसे दोबारा आ गए दोबारा से, इसलिए मैं एकदम ऐसी सनलाइट ऐसी रोशनी में बैठी हूँ जो एग्जैक्टली मेरे दिखे कि हाँ मेरे ये डार्क सर्कल्स हैं। ये जैसे ये जो एरिया दिख रहा है बहुत ज्यादा नहीं है, आप इसे पिगमेंटेशन भी कह सकते हैं, जैसे मेरी यहाँ पे पिगमेंटेशन है थोड़ा सा और यहाँ आईज के आसपास में है, बट मेरे डार्क सर्कल्स भी हैं। ये मेरे बीच में ठीक हो गए थे लेकिन दोबारा से आ गए, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम नेचुरली इन डार्क सर्कल्स को कैसे हटा सकते हैं बिना किसी क्रीम या कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो नेचुरल वे होता है डार्क सर्कल्स को हटाने का वो होता है कि एक तो अपना अगर आप नींद प्रॉपर लीजिए,
लाइक 8 to 10 आवर्स की आप नींद प्रॉपर लीजिए। अगर आपकी नींद पूरी रहेगी तो आप बहुत स्ट्रेसफुल नहीं रहेंगे। अगर आपकी नींद पूरी ही नहीं होगी तो आप थके हुए रहेंगे, आपका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, आप चिड़चिड़ करेंगे, कोई भी चीज होगी आप उस चीज का स्ट्रेस लेंगे बहुत ज्यादा। तो स्ट्रेस लेने से, टेंशन लेने से, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें तो होती हैं और वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। और अल्टीमेटली रिजल्ट ये होता है कि हम लोग हमारा फेस बहुत डल दिखने लग जाता है, रिंकल्स आ जाते हैं एज से पहले, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। सो यही मेरे साथ में हुआ कि मेरे बीच में सही हो गए थे डार्क सर्कल्स, बट 5 मंथ पे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, बहुत रोलर कोस्टर की तरह रहा। कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, घर में कुछ ना कुछ एक के बाद एक ऐसी चीजें हो रही थी कि मैं प्रॉपर, जैसे एक सोना होता है ना, प्रॉपर जो आपका स्लीप रूटीन होता है वो हो ही नहीं पाया, फॉलो ही नहीं हो पाया। सो उस चक्कर में रिजल्टेंट ये रहा कि नींद पूरी हो नहीं पाती है और फिर पूरा दिन वही रूटीन के सारे काम और फिर अलग से कुछ ना कुछ चलता रहता था, वैसे स्ट्रेसफुल रहते हैं। सो उस चक्कर में मेरे हल्के से डार्क सर्कल्स अगेन आ गए। सो मुझे पता है कि जैसे ही मेरा स्लीप रूटीन दोबारा से बैक टू ट्रैक आएगा, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल चीजें कम हो जाएंगी, तो धीरे धीरे करके ये भी चीज हट जाएगी। तो सबसे पहला जो नेचुरल वे होता है कि आप एक प्रॉपर स्लीप लीजिए। एक अगर आपने एक अच्छा अमाउंट का स्लीप आपने लिया है तो आपका वैसे भी आप अच्छा फील करेंगे, और जब आप अच्छा फील करेंगे तो धीरे धीरे करके वो चीज आपकी स्किन पे दिखने लग जाती है, रिफ्लेक्ट करती है। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं वो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स और कैल्शियम में सारे रिच फूड होने चाहिए, लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो मीट हो गया, फिश हो गया, चिकन हो गया, सारी चीजें हो गई। अगर आप वेजिटेरियंस हैं तो पनीर हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, अगर आप वीगेन है तो आलमंड मिल्क हो गया, टोफू हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हर एक कैटेगरी के लिए है, जो बहुत अच्छी होती है, वो आप खाइए आपका। क्योंकि आप जितना अच्छा इंटेक लेंगे बॉडी में फूड, जितना अच्छा इंटेक होगा उतना ही अच्छा वो चीजें रिफ्लेक्ट करेगी। आप कितने भी प्रोडक्ट्स लगा लीजिए, आप कितना भी ट्रीटमेंट ले लीजिए, अगर आप अच्छा नहीं, अगर आप अच्छे से सो नहीं रहे और अगर अच्छे से आप खा नहीं रहे तो वो कुछ भी वर्थ इट नहीं है। हाँ, एक एक्सटेंड तक आप डेफिनेटली आप उसका रिजल्ट देखेंगे, बट एक जो नेचुरल तरीका होता है किसी भी चीज को क्योर करने का, वो सबसे अच्छा यही होता है कि सबसे पहले एक अच्छी नींद लीजिए और उसके बाद में एक अच्छा खाना खाइए जिसमें सारी चीजें जो भी आपको पसंद हो, फ्रूट्स हो गया, फाइबर हो गए, ओट्स हो गए, लाइक मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। तो जैसे ही मेरा फ्रूट्स और सैलेड का काउंट कम होता है तो मुझे वो चीजें रिफ्लेक्ट करने, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ कमी है मेरे डाइट में, सारी चीजों में। तो जो भी आपको पसंद है, जो भी अच्छी चीज है वो खाइए। कोशिश ये करिए कि जंक फूड नहीं खाइए। जंक फूड बुरा नहीं होता हेल्थ के लिए, मैं 100% ये चीज नहीं कहूंगी कि जंक फूड बहुत बुरा होता है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड फॉर योर हेल्थ। लाइक अगर आप प्रोसेस शुगर खा रहे हैं, अगर आपने बहुत ज्यादा प्रोसेस शुगर खाना इनटेक स्टार्ट कर दिया है तो वो आपके हेल्थ के लिए बुरी है। अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं तो वो आपके लिए बुरा है। बहुत ज्यादा कार्ब्स ले रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा बुरा है। हर चीज बैलेंस अमाउंट में होनी चाहिए आपकी लाइफ के अंदर, अगर आप जो भी चीजें ले रहे हैं। प्रोसेस शुगर अगर आप खा रहे हैं तो आप पूरे दिन में आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपके वेट के अकॉर्डिंग, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, आपको आपकी बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग आपको कितना प्रोसेस शुगर खाना चाहिए, कितना हेल्दी है, कितना अनहेल्दी है, वो आप उस अकॉर्डिंग खाइए। और अगर आपको जंक फूड पसंद है तो आप आप इस तरीके से रेशियो करिए कि मैंने अगर हफ्ते में 6 दिन पूरा बहुत अच्छा खाना खाया है, लाइक बहुत ही हाई रिच फ्रेंडली खाना खाया है, लाइक बहुत प्रोटीन्स खाए हैं, बहुत कार्ब्स खाए हैं, कैल्शियम, विटामिन सी, सारी चीजें खाए हैं, तो चलो एक दिन एक टाइम पे मैं कुछ ऐसा खा लूं जिससे मेरा टेस्ट सेटिस्फाई हो जाए। लाइक होता है ना कि कभी कभी क्रेविंग होती है कि नहीं नहीं ये चीज खानी है, सो मन करा है, तो आप इस तरीके से बैलेंस करिए चीजों को। सो जितना अच्छा, जितना कलरफुल खाना आप खाएंगे, कलरफुल मीन्स बोला जाता है प्लेट में जितना ज्यादा कलरफुल फूड होता है वो उतना ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, उतना जल्दी आपकी स्किन में वो चीजें रिफ्लेक्ट करना शुरू करेंगी। बीटरूट हो गया, गाजर हो गई, बहुत सारी वेजिटेबल्स होती है, सीजन टू सीजन फ्रूट्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। अभी तो चेरी आ रही है, बेरीज आ रही है, मैंगो हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई। तो ये नेचुरल तरीका है जिससे आप अपना डार्क सर्कल सारी चीजें क्योर कर सकते हैं। कुकुम्बर हमेशा अवेलेबल रहता है, पूरे सीजन अवेलेबल रहता है, आप वो खाइए, उसका जूस पीजिए, स्मूथीज पीजिए, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी रेसिपीज है यूट्यूब पे, आप जाके देखिए वो खाइए। लाइक मैं क्या करती हूँ, मुझे सैलेड्स और फ्रूट्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो अभी जैसे एप्रिकॉट आ रहा है, प्लम आ रहा है, और चेरी अभी आ रही है, मैंगो आ रहे हैं, बनाना है, मस्क मेलन है, वाटर मेलन है, सारी चीजें वाटर बेस्ड फ्रूट्स हैं बहुत सारे, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि आपको बहुत ज्यादा
ज्यादा हाइड्रेट रखते हैं, और गर्मी में जितना ज्यादा आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, आप जितना हाइड्रेट रहेंगे उतना ज्यादा आपका स्किन यू नो ग्लो करेगी, सारी चीजें करेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें, अगर आप इनको अपने रूटीन में ले आएंगे तो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। सो ये मेजर मेजर सेकेंड, ये दो मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होते हैं, सिर्फ यू नो डार्क सर्कल्स के लिए नहीं, किसी भी चीज के लिए। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए। लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा मेकअप लगाते हैं रूटीन लाइफ में, तो आप कुछ टाइम के लिए अपना मेकअप थोड़ा सा कम कर दीजिए, अगर आप बंद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे से स्क्रब करिए फेस को, ट्वाइस अ वीक, वंस इन अ वीक स्क्रब करिए फेस को, मास्क लगाइए, बहुत सारे अवेलेबल हैं मास्क, वो लगाइए, मसाज करिए अपने बॉडी की फेस की मसाज करिए, आईज के नीचे अच्छे से मसाज करिए, और फेस वॉश यूज करिए दो बार जो भी आपको सूट करता है आपके स्किन के अकॉर्डिंग। लाइक मुझे हाइड्रा बेस्ड फेस वॉश बहुत अच्छे से सूट करते हैं क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है। सीरम लगाइए जो भी आपको करेंटली सूट कर रहा हो सीरम आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग। जैसे मेरी स्किन, जैसे मैंने बताया ड्राई है, तो मैं जैसे मैं अभी दो सीरम लगा रही हूँ, दो सीरम यूज करती हूँ, एक साथ नहीं करती, कभी कभी एक साथ भी कर लेती हूँ, कभी कभी अलग अलग यूज करती हूँ। जैसे मेरी जब मुझे स्किन मुझे लगता है ड्राई हो गई है बहुत ज्यादा, तो मैं हाइलुरोनिक सीरम यूज करती हूँ लॉरेल पेरिस का, ये मेरा बहुत फेवरेट है, मैंने बहुत टाइम तक यूज किया, बट बीच में मुझे थोड़ा सा पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम होने लगा था। अभी जो आप ये पिगमेंटेशन देख रहे हैं ये बहुत हद तक कम हो गया है, पहले बहुत ज्यादा हाईलाइट होता था। तो जब ये पिगमेंटेशन वाला हुआ, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि डर्माको का एक आता है अल्फा आर्बुटिन फेस सीरम, ये बेसिकली पिगमेंटेशन हाइपर पिगमेंटेशन के लिए है, डार्क स्पॉट्स और अनइवन स्किन टोन जो होती है उसी के लिए है। मैंने इसको वन मंथ यूज किया, एक महीने से पहले जब वेकेशन में जाने वाले थे उस टाइम पे मैंने इसको यूज किया, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा था। मेरे डार्क सर्कल्स, मेरा पिगमेंटेड एरिया, जो भी मेरे पिगमेंटेशन है, बहुत हद तक कम हो गया था। उसके बाद फिर मैंने, और मैं इसको एक ही बार यूज करती थी, ऐसा नहीं था दिन में भी यूज कर रही हूँ रात में भी यूज कर रही हूँ, मैं दिन में ये यूज करती थी और रात में ये वाला यूज करती थी। फिर बीच में मैंने ये वाला छोड़ दिया क्योंकि तबीयत खराब हो गई कुछ, मतलब इतना ऐसी हालत हो गई कि कुछ भी करने का मतलब ही नहीं, मन ही नहीं होता था, रूटीन कुछ भी फॉलो नहीं हो पाया। सो हल्का सा दोबारा से पिगमेंटेशन वाला प्रॉब्लम मुझे हो गया है, और अभी करंटली मैं यही यूज कर रही हूँ। मैं इसको एक ही बार यूज कर रही हूँ, अभी मैं रात में यूज नहीं कर रही हूँ, मैं भूल जाती हूँ, एक्चुअली बात ही है, मुझे रात में भी यूज करना है बट मैं काफी बार स्किप कर देती हूँ, भूल जाती हूँ। तो ये वाले दो सीरम है जो मैं करेंटली यूज कर रही हूँ, ये नेचुरल वे तो नहीं है इसलिए मैंने इस पॉइंट को लास्ट में रखा था, बट अगर आपका जो भी आपका रूटीन है यू नो मॉर्निंग रूटीन है, नाइट रूटीन है, जो भी आपका रूटीन आप जो भी फॉलो कर रहे हो, वो आप कोशिश करिए कि ऐसे प्रोडक्ट्स आप यूज करो जो नेचुरल हो, यू नो जो नेचुरल भी नहीं हो तो ऐसे हो एटलीस्ट जो आपके स्किन में असर दिखाए, ऐसा ना हो कि आप यूज करे जा रहे हो और बहुत स्लो असर मतलब रिजल्ट आ रहा है, तो आप इस चीज को हटा दीजिए, या जो भी आपको नेचुरल वे लगता है आप वो यूज करिए। मुझे सारी चीजें एक तरफ मतलब करती हूं मैं, और जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अब सीरम यूज करना है या अपने फेस को जितना हो सके उतना क्लीन रखना है, तो आप वो चीजें करिए। अगर आपको स्वेटिंग प्रॉब्लम है बहुत सारी, तो आप फेस को बार बार वॉश करिए अच्छे से, सारी चीजें करिए। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो यू नो बेसिक लाइफ स्टाइल के रूटीन में अगर आप इंक्लूड कर लें तो भी आपकी बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन हो जाता है। तो ये भी मेजर मेजर चीजें हैं, तो ये चीजें थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और फाइनली मैंने शेयर करी। अगर आप लोगों के पास में कोई तरीका है जिससे आपको लगता है कि नेचुरल तरीके से डार्क सर्कल्स हट सकते हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, स्किन और अच्छे से ग्लो कर सकती है, तो आप लोग प्लीज कमेंट डाउन करके बताइए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो मुझे कमेंट डाउन जरूर करके बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं हर एक को कमेंट को रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, बट मैं हर एक कमेंट पढ़ती जरूर हूँ, मैं उस पर वर्क जरूर करती हूँ। तो आप मुझे बताइए कैसा लगा ये वीडियो, और आपको किस किस तरीके का और वीडियो चाहिए, कौन सा कॉन्टेंट चाहिए, जल्दी से कमेंट डाउन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय।